अंकीज ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी हेयर स्टाइल का बेसिक से एडवांस थियोरी है। ये जो हेयर स्टाइल में रिलेटेड हमें जो नेसेसरी है, कहाँ से सेक्शन करना है, किसी को प्रॉब्लम होती है फेस फ्रेमिंग, कौन सा फेस पे कौन से पार्टीशन लेने हैं, हाइट देनी है या नहीं देनी है, वो सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आई होप सबको बहुत इंजॉय करो और सबके लिए ये यूजफुल रहे फ्यूचर में आपकी हेयर स्टाइल करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, सीखेंगे पफ थियोरी और बाद में जो एडवांस में हेयर स्टाइल की टेक्निक यूज होती है वो हम सीखेंगे। तो आज के दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, फर्स्ट टॉपिक पफ थियोरी। पफ में कितने टाइप के पफ होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, पहले थियोरी देखेंगे फिर उसको ही हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। मतलब ये तीनों भी लेवल, आप वेस्टर्न लुक का हाई करते हो, सेल्फ पफ बनाते हो, ब्राइड के लिए यूज करते हो, या एडवांस की कोई वेरिएशन क्रिएट करना है और आपको पफ क्रिएट करना है, उसका नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। अभी बैक कॉम्बिंग कैसे करनी है वो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। लो पफ करते वक्त आप विद स्टफिंग भी कर सकते हो अगर ज्यादा हाइट चाहिए, बट विदाउट स्टफिंग भी ये आपका पॉसिबल है। बट इसके लिए आपको कंपल्सरी फिर आपको क्रिम्पिंग करना जरूरी है ताकि फिनिशिंग और बाउंसिंग अच्छे से आए आपका। मिडल पार्ट, ये आपका सेक्शन कहाँ पे होगा, ईयर के पीछे से स्टार्ट होगा और इसका बैक कॉम्बिंग होगा फ्रंट से बैक, मतलब थर्ड पफ लो पफ बैक आपका पफ रहेगा ईयर के पीछे से लेके नीचे तक और इसकी बैक कॉमिंग जाएगी आगे से पीछे, मतलब फ्रंट टू बैक इसकी बैक कॉमिंग होगी। ये तीनों सेक्शन आपके क्लियर है, आपको पफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाले पफ में बेसिकली अभी जो मैं पफ सिखा रही हूँ वो ज्यादा करके हम एडवांस में यूज करते हैं, जब भी हमें पफ में पुलिंग टेक्निक या करनी होती है तब हम विदाउट स्टफिंग एक बैक कॉमिंग से पफ क्रिएट करते हैं और बैक में करते हैं। ये पफ से हम बहुत सारे वेरिएशंस करते हैं और मैक्सिमम हम ब्राइड के छोड़ के, मतलब जिस ब्राइड को हाइट भी नहीं देनी होती है वो ब्राइड को भी हम लो ही करते हैं, मैक्सिमम 90% हम लो पफ में काम करते हैं ब्राइड पे भी, और इवन साइडर्स पे भी हम यही यूज करते हैं। ये वाला पफ एनी एज, बड़े लोगों को भी करेंगे तो भी सूट होगा, हमारे मिडल एज ब्राइड के लिए करेंगे तो भी सूट होगा, वो ऐसा पफ है आपका। मिडल ईयर टू ईयर सेक्शन अलग कर दो सेक्शन को, यहाँ पे पूरा सेक्शन मिडल में रहेगा, ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है, ईयर के आगे तक का सेक्शन लेंगे। मिडल में ईयर तक का सेक्शन लिया है, पूरा पीछे लेंगे, सेम सेक्शन यहां से भी करेंगे, इसको भी अलग कर देना है। अभी हम पफ बैक साइड करना है हमें, तो हमें कैसे उसका लेना है, यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन अलग हो गया, मिडल पार्ट कर लिया, अभी बैक साइड पफ। तो बैक साइड पफ के लिए हम कहां से सेक्शन लेंगे, जहां से ईयर का पार्ट स्टार्ट होता है, अगर आपको ओपन रखना है तो आपका पफ टू फिंगर आप यहां से स्टार्ट करोगे लाइन, और आपको बन में क्रिएशन देना है तो आपको ईयर सेक्शन से स्ट्रेट लाइन लेनी है टूवर्ड सेकेंड ईयर, आपको बीच में कुम उठाना नहीं है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए एग्जैक्ट स्ट्रेट। ये पार्ट को पहले अप कर दो, नीचे हम पहले पोनी क्रिएट करेंगे, पोनी की टेक्निक सेम रहेगी जैसे हमने आगे किया था वैसे ही टेक्निक से आपको पोनी क्रिएट करना है। सेम यहां पे सेम पोनी क्रिएट करो, पोनी के करने के वक्त ध्यान रखना है ये फिनिशिंग आपकी बाद में स्प्रे से बैठने वाली नहीं है, सो आपको पहले ही इसको, या तो बहुत ज्यादा बेबी हेयर है
तो आपको पहले ही हार्ड स्प्रे करके कोम वापस कर देना है, या शाइन स्प्रे करो, बहुत स्ट्रेट है, सिर्फ फिनिशिंग लेयर करना है हमें, तो शाइन स्प्रे करो और अच्छे से अगेन सारे पार्ट को अच्छे से कोम कर दो, नीचे से टू टू थ्री फिंगर अप, मिडल ऑफ द ईयर, ये आपका हो गया लो बन। अगर हाई बन करना है तो यही आपका पोनी टॉप ऑफ द बन, टॉप ऑफ द ईयर, मतलब आपकी पोनी यहाँ पे होनी चाहिए जब आपको हाई बन करना है, तब लो बन, मिडल ऑफ द ईयर उससे भी लो, यहाँ पे बॉटम एकदम नीचे, ये नीचे वाला पार्ट किसको यूज होता है, जिसका नेक एरिया बहुत बड़ा है, मिडल मोस्टली हम मिडल और हाई करते हैं, हाई कब करते हैं और मिडल कब करते हैं, जब जिसका नेक बहुत शॉर्ट है तब हम मिडल में जाते हैं बर्न के लिए, बट अगर उनको हाई वेरिएशन सूट नहीं करते, जैसे वेस्टर्न में भी हम हाइट देते हैं क्रिएशन करने के लिए, बट कई लोगों को वो सूट नहीं होता है, तो हम इतने ऊपर तक पोनी नहीं लेके वेस्टर्न क्रिएशन टॉप ऑफ द ईयर पे यहाँ से लेके उनको यहाँ तक क्रिएशन देते हैं, तो वो उनपे सूट होता है। आई होप क्लियर है ये पॉइंट, किसको कौन से एंगल पे आपको बन बना के देना है। जैसे हमने कल फेस फ्रेमिंग सीखा था उसमें भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि किसको कैसे पफ क्रिएशन करना है, कैसे फेस को एंगल से आपको उसका बन में वेरिएशन करना है। बन आप ट्रेडिशनल भी क्रिएट कर सकते हो, वेस्टर्न के लिए भी पोनी क्रिएट कर सकते हो, बट वो कहाँ पे होनी चाहिए डिपेंड्स ऑन हर फेस। यहाँ पे हमने पोनी बनाई, अभी पफ का पार्ट सीखेंगे। पफ के पार्ट के लिए नीचे से ऊपर नहीं, आपको पफ अप से डाउन जाना है टोटली। हम इसमें मिडल पार्ट फर्स्ट सेक्शन, नीचे दो दो सेक्शन या तीन चार सेक्शन में ये डिवाइड करके क्विकली हार्डली 2 मिनट्स में आपका ये पफ क्रिएट रेडी हो जाना चाहिए। फर्स्ट लेयर लेना है यहाँ पे जो आपका मिडल पार्ट है, आपका मिडल पार्ट से 4 फिंगर यहां से, 4 फिंगर यहां से, मतलब यहां से लेके स्ट्रेट यहां तक आपका फर्स्ट लेयर बैक कॉमिंग का यहां पे होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग लो बन लो पफ जो एडवांस के लिए यूज होता है, मिडल पार्ट स्टार्ट किया उसका स्ट्रेट पार्ट स्लैंटली डाउन, बैक कॉमिंग बिगर बैक कॉमिंग अच्छे से बैक कॉमिंग करो यूजिंग टफ्ट हार्ड स्प्रे। आप ऑसिस का भी यूज कर सकते हो, एनी जो हमने कल स्प्रे नॉलेज दिया था आप कोई भी हार्ड स्प्रे यूज कर सकते हो। ये पफ करते वक्त आप नोवा गोल्ड रहेगा तो भी आप यूज कर सकते हो जो हम पहले यूज करते थे। स्प्रे स्प्रे का डायरेक्शन लंबे से रखना है और जहां पे हमने बैक कॉमिंग किए उतने ही एरिया में एक साथ बैक कॉमिंग और उसको ड्राई होने चाहिए। आगे रख देंगे तो वो वापस से दब जाएगा, आपको ऑपोजिट रखना है ताकि उसमें जब भी हम ड्राई हो जाए और उसको बैक ले अच्छा खासा एक पफ क्रिएट, बाउंसी पफ क्रिएट करके दे। अगेन द नेक्स्ट पार्ट यहां से सेकेंड पार्ट स्टार्टिंग से लेके मिडल तक लेना है, स्ट्रेट अप करना है, सेम पोजीशन सेम प्रोसेस बैक कॉमिंग। जितना अप जाना है जितना हाइट चाहिए उतना बैक कॉमिंग आपको ऊपर तक करना है, आइडियल 4 इंच तक आप कर सकते हो। अगेन द नेक्स्ट यहां से जो हमने स्टार्ट किया है दूसरे एंड तक वापस से ऊपर लेंगे। ये पार्टीशन में प्रॉपरली आप आगे जाओगे तो आपका पफ डेफिनेटली राउंड शेप आएगा, स्क्वायर्स नहीं बनेगा, और ये बहुत इजी क्विक है, हम क्विकली ये वर्क कर सकते हैं। अभी ये जो दो पार्ट बचे हैं उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके ये आपका लास्ट पार्ट है जो आप बेस एज अ बेस यूज कर सकते हो मैक्सिमम बैक कॉमिंग करके। किसी के इसमें वॉल्यूम बहुत कम है तो आप एक स्टफिंग भी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो जो पीछे से एक बाउंसी लुक दे, वॉल्यूम हेयर में कम रहेगा तब, अच्छा खासा वॉल्यूम है जब हम बैक कॉमिंग हेयर में ही कर सकते तभी नेसेसरी नहीं है।
जब भी लास्ट पार्ट है तभी आप उसको दोनों साइड में बैक कॉमिंग कर सकते हो, बेस में भी बैक कॉमिंग कर सकते हो अच्छी खासी बड़ी, और अपर पार्ट में भी आप बैक कॉमिंग कर सकते हो ताकि यहाँ पे बेस अच्छा खासा बाउंसी स्ट्रॉन्ग बेस बने आपका। सेम ऑन अपोजिट, दोनों साइड बैक कॉमिंग करते करते ही आपको हार्ड स्प्रे करना है। अभी इसको एक 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 लेयर को हमें नीचे लेना है और अच्छे से इसको स्प्रेड करते जाना है। ये एक लेयर मैंने नीचे लिया, स्प्रेड करो, सेकेंड लेयर लिया यहां से नीचे, इसको भी स्प्रेड करो, स्प्रेड करना जरूरी है, फिनिशिंग देते जाओ नीचे नीचे। अभी ये सिर्फ हाफ पार्ट है हमारा, हम इसको क्या करेंगे पूरे हाफ पार्ट को फुल पार्ट में स्प्रेड करेंगे, अंदर से पूरा स्प्रेड। अभी इसको हल्का हल्का फिनिशिंग, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम बैक कॉमिंग की थी, फिनिशिंग लेयर चाहिए, अगर पुलिंग करेंगे तो फिनिशिंग लेयर चाहिए, फिनिशिंग नहीं रहेगा तो अच्छे से पुलिंग करेंगे तो उसमें अनइजीनेस मतलब बहुत मैसी लुक दिखेगा। तो क्या करेंगे, जो आगे का सेक्शन है मिनिमम बैक कॉमिंग से हम उसको पीछे की साइड में हार्डली 1 इंच, 1 फिंगर का सेक्शन लेंगे यहां से, ठीक है। ये मैंने फिंगर अलग कर दिया यहां से, ये भी जैसे हमने ब्राइडल में पूरा पार्ट लिया है वैसे ही है, मिडल से लेके एंड तक का पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का, इसमें ज्यादा बैक कॉमिंग आपको नहीं करनी है बिकॉज ये आपकी फिनिशिंग लेयर है, फिनिशिंग लेयर में करोगे तो वापस से वैसे ही हो जाएगा। फिनिशिंग दो, अच्छे से उसको सेटल करो, सारे कहीं पे भी मैसी या अनइवन नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला हाफ पार्ट फिनिशिंग है, यहाँ पे अभी भी फिनिशिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे भी सेम वही लाइन में आगे से एक सेक्शन को लेंगे। ये कंपलसरी आपको फिनिशिंग लाइन देनी है, बट पहले से ही वो सेक्शन पीछे नहीं करना है, लास्ट में लेना है आपको। यहां से लिया बैक कॉमिंग, गेन साइड बैक कॉमिंग, बहुत कम बैक कॉमिंग में आपको सिर्फ स्ट्रोक देना है, एक एक स्ट्रोक। फिनिशिंग दो, अच्छे से उसको बैक साइड में सेटल करो, सी एक राउंड में आपको एक पफ रेडी। अभी इसको हमें पूरे बालों को जो पफ के हेयर है एक हाथ में लेना है, अच्छे से सारे एंगल को हमारे हैंड में हाथ में पकड़ के देखो, जहां पे आपको ज्यादा बाउंस लगे मतलब ज्यादा ऊपर है तो वहां पे थोड़ा प्रेशर से करो, बट नहीं है तो आप ज्यादा उसको प्रेशर नहीं दो, यहाँ पे दबा हुआ है तो बस उतने ही पार्ट को आप ऊपर लो। यहाँ पे अभी हम पुलिंग टेक्निक का यूज करेंगे, अगर आपको नहीं करना है प्लेन पार्ट रखना है तो आपको फिनिशिंग के लिए शाइन स्प्रे यूज करना है। सी कैसे मैंने पूरे इसमें राउंड शेप में यहां से अच्छे से स्प्रे करना है शाइन स्प्रे यूजिंग, और सिर्फ शाइन स्प्रे आपको रियल हेयर पे भी यही यूज करना है। हेयर में जो भी बेबी हेयर रहेंगे या बैक कॉमिंग से अनइवन हो गए रहेंगे, अच्छे से फिनिशिंग नहीं रहेगी, तो भी आप इसको सी अभी इसमें कैसे आपको इसको लॉक करना है उसकी टेक्निक दिखा रही हूँ। ये बहुत अलग अलग तरीकों से हम लॉक कर सकते हैं इसको। सबसे पहले बिगर बॉबी पिन, आपको जो साइड में आपको यहाँ पे पिन करना है, पिनिंग आपको बेस से स्टार्ट होना चाहिए, सिर्फ पफ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मुझे यहाँ से पिन स्टार्ट करनी है, मेरी फिंगर यहाँ पे स्ट्रेट प्रेशर देना है, बिगर साइज बॉबी पिन लेनी है, पफ से नीचे से स्टार्ट करके यहाँ तक, ठीक से सेम
यहाँ पे वन साइड हुआ, अभी ये साइड में पिन करना है तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी। सेम ये भी आपको बेस से स्टार्ट करना है, क्रॉस क्रॉस होनी चाहिए, स्टैंड नहीं होनी चाहिए आपकी पिन। और ये दोनों को मर्ज करने के लिए थर्ड पिन यहां से मिडल से लेके यहां तक, सी तीन पिन में हमने पूरा पफ पिन कर दिया है। और एक वे है आपको पफ, ये अगर आपने पुलिंग टेक्निक करनी है तो ये वाली पिनिंग आपको नहीं चलेगी, कंपलसरी आपको अगर प्लेन पार्ट रखना है तो पिन करो, बाद में आप पुलिंग नहीं कर सकते। कभी भी आप बॉबी पिन से लॉक कर दोगे तो उसके बाद कहीं पे भी आपकी पुलिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो उसके लिए आपको यू पिन लगेंगे, यू पिन से आप उसको पिन कर सकते हो, या आप स्टे करना है तो आप वुडन स्टिक का भी यूज कर सकते हो पुलिंग करते, वो आप नेक्स्ट टॉपिक में हम जब पुलिंग में जाएंगे तभी बताऊंगी, जस्ट गाइडेंस कि आप कैसे कर सकते हो। अभी इसको मैं ओपन करके हम यू पिन से 7 नंबर की यू पिन से भी इसको लॉक कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं उसका टेक्निक दिखाऊंगी। उसके लिए आपको 7 नंबर, बहुत बिग साइज भी नहीं चलेगी, स्मॉल साइज भी नहीं चलेगी, 7 नंबर की पिन 4 to 5 यू पिन लेनी है, इससे आपको लॉक करना है। ये इससे एक फायदा क्या होगा, ये लॉकिंग के बाद आप कूलिंग कर सकते हो, बिकॉज ये एक के बाद एक के अंदर एक इंटरलॉक नहीं हुआ है, सो आप ये यू पिन की वजह से आप अच्छे से उसको यूज कर सकते हो एडवांस में पुलिंग टेक्निक करने के लिए, और इससे भी आपकी इजी है, क्विकली आपका काम हो जाएगा। ये सेकेंड वे है आपको लॉक करने का, टोटल 3 वे में हम कर सकते हैं। अगर आपको पुलिंग टेक्निक करनी है तो आप इसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हो वुडन स्टिक को। कहाँ पे मैंने होल्ड किया है, हमारे पोनी के ऊपर, पोनी जहां पे है वहां पे उसको स्टे किया है। नेक्स्ट पार्ट, अगर हमें पुलिंग नहीं करना है, सीधा सीधा लॉक करके ही हमें काम करना है, यू पिन लिया स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 ये आपका नीचे पोनी में बेस जाना चाहिए, हवा में रहेगा तो ये लूज रहेगा, सो आपकी यू पिन टच होनी चाहिए नीचे पोनी के रबर बैंड पे। और ये 7 नंबर मीडियम साइज है तो उनको बैक में लगेगा भी नहीं क्लाइंट को। सी हो गई हमारी पूरी पफ को लॉक हो गया। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है बंजी, जहां पे आपको रबर बैंड या यू पिन बॉबी पिन पिन यूज नहीं करनी है, सो एक रबर बैंड में डबल साइड बॉबी पिन डाल के भी आप इसको लॉक कर सकते हो, इसमें भी आप पुलिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। जहां पे हेयर आपके लॉक नहीं हुए हैं वहां पे आप कर सकते हो यूज, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया पफ को पकड़ा है, रबर बैंड डबल पिन, एक पिन को स्ट्रेट डालो या क्रॉस डालो, यहां से हमने ये रबर बैंड की जो पोनी है उसके अंदर डाल के, अगर आपकी बड़ी है रबर बैंड तो 2 टर्न ले सकते हो, अगर नहीं है तो यहां से लेके ये साइड में उसको जहां पे पिन है ये साइड में उसको क्रॉस करना है आपको। ये भी हो गया आपका पिन, जिससे आपकी रबर बैंड दिखेगी भी नहीं, अंदर के साइड चली गई, बॉबी पिन का भी इशू नहीं, यू पिन का भी इशू नहीं, इससे भी हम पुलिंग टेक्निक कर सकते हैं। सो ये हुआ हमारा पफ का पार्ट, पफ थियर सेल्फ पफ, जो बॉक्स पार्टिंग में हम पफ करते हैं वो कैसे क्रिएट करना है। बेसिक रूल, सबसे पहले मिडल पार्टिंग, ईयर टू ईयर सेक्शन, मिडल पार्ट करो,
अगर आपका मिडल पार्ट प्रॉपर नहीं हुआ और आपने मांग टीका फिक्स करने का है, अगर यही पोर्शन नहीं राइट है मिडल पार्ट, तो ये आगे पीछे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन, आप फ्रंट का मिडल सेल्फ पफ कब कर सकते हो, जब भी आप वेस्टर्न में किसी को क्रिएशन देते हो, राउंड फेस है जिसको हमें हाइट क्रिएट करना है, तभी भी हम सेल्फ पफ का यूज करते हैं। बट अगर ऑलरेडी ब्रॉड है और उसको हम और हाइट दे देंगे तो उनका फेस और लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको हाई लेना है, फुल अप लेना भी है, तो उसको फ्लैट दो, ज्यादा करके हाइट उसको क्रिएट नहीं करना है आपको। और फॉरहेड बड़ा है और आप सेल्फ पफ ले रहे हो, तो आगे का एक पोर्शन फ्लिक्स या कर्ल्स, आप जो भी साइड में करने वाले हो वो एक लेयर आपको छोड़ना है, तब आप जाके ये लंबे फेस को भी कर सकते हो। अभी मिडल पार्ट, आईब्रो लेवल का एग्जैक्ट मिडल से आपको पार्टीशन लेना है, और ये पार्टीशन कैसे होगा, स्ट्रेट नहीं होगा आपका, ये पार्टीशन पूरा क्रॉस होगा, अंदर की साइड में स्लांट लेना है, जिसको हम डायगोनल सेक्शन बोलते हैं वो। तो अभी जब भी मैं बोलूंगी डायगोनल सेक्शन, तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि डायगोनल किसको बोलते हैं। सेम वे यहां से भी हम डायगोनल सेक्शन लेंगे। पहले आपको तुरंत डायगोनल नहीं लेना है, सबसे पहले आपको मिडल सेक्शन निकालना है, फिर उसको आपको अंदर की तरफ डायगोनल करना है। डिपेंड ऑन अ फेस, जिस जैसे फेस का डायरेक्शन है उस हिसाब से आप उनका मिडल पार्ट चूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने पूरा अप लिया है, अभी इसका बैककॉमिंग हम कैसे जाएंगे, वॉल्यूम के हिसाब से। अगर वॉल्यूम बहुत कम है आप पीछे एक स्टफिंग भी एड ऑन कर सकते हो छोटा सा, अदरवाइज हम बैककॉमिंग से ही उनका करेंगे। अभी ये पूरा सेक्शन आपको ओपन में यूज करना है, इसका वेस्टर्न लुक क्रिएट करना है, ये डिपेंड्स होता है आपको कैसे उसको करना है। बट इसका बैककॉमिंग मैंने क्या बोला था, हम बैककॉमिंग इसको बैक टू फ्रंट जाएंगे, जैसे जैसे पार्टीशन आ रहा है यहाँ पे बैककॉमिंग करो। बैककॉमिंग के लिए आपका स्ट्रेट से थोड़ा स्लांट 120 डिग्री एंगल बैककॉमिंग, जहां से ऊपर से जा रहे हो वहां तक रूट तक आपको आना है कंपल्सरी, ऐसे ऐसे ऊपर 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 नहीं जाना है। जितना बैककॉमिंग आपका डिपेंड करता है आपको कितनी हाइट क्रिएट करनी है, थोड़ा सा बैककॉमिंग सिर्फ डाउन एरिया पे करना है, छोटा सा एक बेस बनाना है, तो आप छोटा सा हार्डली 1 और 2 इंच आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पे वन साइड में आप एक ही बैककॉमिंग करोगे तो ये ज्यादा हाइट क्रिएट नहीं करेगा, आपको इसको 2 to 3 पार्ट में डिवाइड करना है सेक्शन में। अगेन सेक्शन किया, इसको हम वापस से बैककॉमिंग करेंगे, स्ट्रेट होल्ड स्ट्रेट टाइट, अगर ये लूज हुआ और आप बैककॉमिंग करेंगे तो नहीं होगा, इसको आपको स्ट्रेट पकड़ना है। बैककॉमिंग दिख रही है, बैककॉमिंग कैसे बेस में बैककॉमिंग हो रही है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बैककॉमिंग आपकी कम होती जानी चाहिए। फर्स्ट लेयर है, बेस बनना है, आप वहां पे ज्यादा बैककॉमिंग दे सकते हो। जैसे ही सेकेंड लेयर पे आएंगे आपकी बैककॉमिंग कम हो जानी चाहिए, फर्स्ट लेयर पे आ जाएंगे वैसे ही आपका फिनिशिंग लेयर होगा वो, तो ज्यादा बैककॉमिंग करोगे तो आपकी फिनिशिंग बैककॉमिंग की वजह से चली जाएगी। तो याद रखना है 3 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड करो। और यहाँ पे मैंने ये मेरा बेस फिनिशिंग लेयर आया, हल्का सा मैंने बैककॉमिंग किया। यूज करेंगे हार्ड स्प्रे यूजिंग टफ्ट, एक 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 सेक्शन में आपको बैककॉमिंग करते करते हार्ड स्प्रे करते जाना है। सी यहां पे आगे की साइड अच्छे से फिनिशिंग लेयर देनी है, बहुत अंदर तक आपका कोम नहीं जाना चाहिए, हल्का हल्का हाथ। और ये देखो यहाँ पे जितना हाइट आपको चाहिए उतना हाइट आप दे सकते हो आगे की तरफ। सेटल रखना है, बैक रखो, हाइट क्रिएट करनी है, थोड़ा सा पुश करो और पिन कर दो। अगर आपने ये पार्ट को डायगोनल नहीं लिया रहेगा तो ये
स्ट्रेट और यहाँ पे गैपिंग दिख के आएगा, इसीलिए आपको कभी भी वेरिएशन स्टार्ट करते हो अपर पार्ट लेते हो, ये मोस्टली हम वेस्टर्न में बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं, वहां पे हमें ये वेस्टर्न लुक के लिए ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे पिन लेनी है आपको, पिन कभी भी स्मॉलर साइज एरिया के हिसाब से आप स्मॉल बिग चूज कर सकते हो, क्रॉस पिन होनी चाहिए, एक पिन आपकी यहां से और बेस को टच, बेस से स्टार्ट होना चाहिए, सिर्फ आपने पफ में पिन किया तो वो पफ होल्ड नहीं रहेगा टाइटली, क्रॉस पिन। ओके, ये हो गया हमारा सेल्फ पफ, जो हम ज्यादा करके वेस्टर्न में क्रिएट करते हैं, बर्न में भी क्रिएशन के लिए काम आता है, एडवांस में ये पार्ट बहुत अच्छे से काम आता है। नेक्स्ट हम जाएंगे ब्राइडल पफ, ब्राइडल पफ कहां पे होता है, ईयर टू ईयर सेक्शन करने के बाद आगे की तरफ होता है, यहाँ पे ये टेक्निक के बाद आपको कभी भी लाइफ में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अच्छे से ध्यान से देखा है, तो कभी भी कोई भी हेयर स्टाइल करने के लिए नहीं प्रॉब्लम आएगी, एटलीस्ट पफ और बन ये वेरिएशन आपका फिनिशिंग लेयर होगा, ये आपका इसमें मिडल पार्टिंग, अच्छे से मिडल पार्ट लो, आफ्टर दैट ईयर टू ईयर सेक्शन। मिडल पार्ट में जो ब्राइड के लिए पफ होता है वो दो टाइप के पफ होते हैं, किसी को आगे की तरफ ज्यादा हाइट चाहिए, किसी को पीछे की तरफ ज्यादा हाइट चाहिए, तो वो हम दोनों वे देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। ईयर टू ईयर सेक्शन एग्जैक्ट स्ट्रेट सेक्शन होना चाहिए और ईयर के मिडल में ही ये आपका सेक्शन आना चाहिए। प्रॉपर सेक्शन में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, जब भी हम पहले हम बेसिक करते थे तब भी हम इतना फिनिशिंग में क्रिम्पिंग नहीं होते थे हमारे पास, तो तब ज्यादा करके हम ये वे से हम करते थे, सेम वे हम बैक में भी पफ क्रिएट करते थे, वो भी हम विदाउट स्टफिंग के साथ यूज करके, जब भी हम ज्यादा बैक कमिंग क्लाइंट को नहीं करना होता है या हमारे पास आइनिंग और क्रिम्पिंग का भी टाइम नहीं होता है फिर भी हमें फिनिशिंग में काम करना है, तो उसका टेक्निक भी दिखाऊंगी कि आपको कैसे अच्छे से विदाउट आयन विदाउट क्रिम्पिंग भी आप पफ क्रिएट कर सकते हो, जो 5 मिनट्स में आपको क्लाइंट को कभी हेयर स्टाइल करके देनी भी है तो आप करके दे सकते हो फिर फिनिशिंग। यहाँ पे अगेन सेम जो लाइन हमने यहाँ पे की वही लाइन को हमने आगे कंटिन्यू किया, अभी ये पीछे का जो सेक्शन है उसको बंद कर देंगे, रबर बैंड से टाई कर देंगे, आपको इसमें जो वेरिएशन करना है, ओपन करना है, पैक करना है, आपके ऊपर है। हम यहाँ पे आज ब्राइडल पफ सीखेंगे, जब भी आप पोनी बनाते हो तो ध्यान रखना कि ये पोनी में आपको डबल रबर बैंड यूज करनी है, नीचे का पोनी बन बनाने के लिए आपको नीचे से 2-3 फिंगर अप, यानी आपका ये जो सेक्शन होगा मिडल ऑफ द ईयर होना चाहिए, ये आपकी गाइडलाइन है, नीचे से 2-3 फिंगर अप और मिडल ऑफ द ईयर। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बेबी हेयर होते हैं जो लास्ट में बहुत लोग फिनिशिंग के लिए करते हैं, बट अगर ज्यादा बेबी हेयर है तो आप हार्ड स्प्रे कर सकते हो, अदरवाइज फिनिशिंग लेयर के लिए शाइन स्प्रे का यूज कर सकते हैं, यूजिंग ऑसिस शाइन स्प्रे। अगेन जो भी फिनिशिंग करते हो आप स्टार्टिंग से ही किया करो, क्योंकि एक बार आपके हेयर अंदर चले गए तो वो निकलेंगे नहीं, बट बाहर रह गए हैं तो उसको आप डाल नहीं सकते हो, फिनिशिंग खराब हो जाएगी। अच्छे से कोम करो, फिनिशिंग लेयर लो, आप सिंपल बन क्यों नहीं बनाओ बट इतने अच्छे से फिनिशिंग लेयर के साथ करो, डबल रबर बैंड ताकि वो लूज पोनी अपनी लूज ना हो। टाइट कर दो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रंट। अभी
कैसे जाना है हमें बन बनाने के लिए, बैक टू फ्रंट बैक कॉमिंग करनी है आपको, जैसे पीछे से लेके आगे। सो यहाँ पे जैसे पार्टिंग है, ये हमारा बफ के लिए भी पार्ट बनेगा और यही पार्ट हमारा फ्रंट वेरिएशन के लिए भी बनेगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करना है। आप सिर्फ बैक कॉमिंग से भी ये कर सकते हो। एक राउंड शेप ले रही हूँ, दोनों वे से दिखा रही हूँ, एक आगे का पफ और एक पीछे ब्राइडल पफ, मिडल पफ जो बोलते हैं वो। स्टार्टिंग यहाँ पे इतना सेक्शन लिया है जिससे हम स्टफिंग फिक्स करेंगे। स्टफिंग आपका एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, यहां से सबसे पहले मैं फ्रंट का पफ दिखा रही हूँ। ब्राइड के लिए हम स्टफिंग ज्यादा करके यूज करते हैं बिकॉज हमने उसके ऊपर चुन्नी भी डालनी होती है, दुपट्टा डालना होता है। यहाँ पे इसको हम फिक्स करेंगे, आप विदाउट रोल भी डायरेक्टली फिक्स कर सकते हो। यहां से कंपलसरी है ये पार्ट और ये पार्ट आपका राउंड शेप हो, अगर आपका स्ट्रेट रहेगा तो आपका पफ स्क्वायर बनेगा। सो नोट डाउन, इसको आप फैला भी सकते हो इसके ऊपर अच्छे से। एंड देन बहुत इजी है, क्विक में हमारा ये काम हो जाएगा। जितना पार्ट हमें फ्रंट वेरिएशन के लिए चाहिए ब्राइड के लिए उतना हम अलग कर देंगे और बाकी का एक लेयर अराउंड 1 और 2 फिंगर जितना पीछे लेंगे सेक्शन। यहां से अपर पार्ट, अभी ये पूरा पार्ट कितना बड़ा है, मिडल से लेके एंड तक, मतलब ये हाफ राउंड है। आप इसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। फर्स्ट स्ट्रेट लेना है, मिडल में बैक कॉमिंग होगी, फिर हम इसको क्रॉस करेंगे और यहां से लेके यहां तक बैक कॉमिंग होगी, मतलब आपकी यहां से लेके यहां तक होनी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बैक कॉमिंग हार्ड बैक कॉमिंग नहीं करनी है, सटल बैक कॉमिंग रहेगी बिकॉज हमारा बेस ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे आगे की तरफ हल्का सा बैक कॉमिंग करना है, बहुत हार्ड बैक कॉमिंग नहीं करनी है, जैसे हम एडवांस में करते हैं वैसे नहीं करना है। हार्ड स्प्रे अगेन, जहां पे बैक कॉमिंग करोगे उसके एंड को अच्छे से आपको होल्ड करना है, स्ट्रेट लेना है। ये आपको जितना नीचे चाहिए, अपर पार्ट चाहिए, वो आप पे डिपेंड है, यहाँ पे आपको पिन करना है, बट ज्यादा करके जितना नीचे रहेगा सेक्शन उतना ही आपका बीच का गैप कम दिख जाएगा। टाइटली क्रॉस पिन करते जाना है, एक 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 सेक्शन को आपको पिनिंग करनी है। क्रॉस में पिनिंग होगी, वन पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। वैसे ही आगे की तरफ सेकंड पार्ट दूसरी साइड से, सेम स्ट्रेट पार्ट लेना है, पहले स्ट्रेट होल्ड टाइटली, फिर क्रॉस और एंड में बैक कॉमिंग। एंड में आपका ज्यादा बैक कॉमिंग रहेगा बिकॉज वहां पे स्टफिंग नहीं होता है, जो भी है वो मिडल तक ही है हमारा। आपको ज्यादा हाइट नहीं चाहिए तो आप इससे भी छोटा वाला स्टफिंग यूज कर सकते हो, ज्यादा हाइट चाहिए तो इससे भी ज्यादा हाइट या बैक कॉमिंग ज्यादा कर सकते हो, बट ये कैसे फिनिशिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जितना हो उतना बेस पे ध्यान देना है, हेयर के इस पे ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी है। फिनिशिंग दो अच्छे से,
हल्के हाथ से आपको बैक कॉमिंग करना है पीछे तक, जहां तक आपका ये पहला पार्ट आया, मैंने सेकेंड पार्ट उसको ओवरलैप किया। पिन अंदर चली जानी चाहिए, जितनी पिन आपकी अंदर चली जाएगी उतना आपका फिनिशिंग बढ़ेगा, पिन दिखने के चांसेस कम हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको स्मॉल साइज की पिन यूज करनी है। सी राउंड शेप, यहाँ पे अगर आपका पार्ट दब गया है तो आपको टेलकोम की हेल्प से, कोम की हेल्प से, जहां जहां पे आपको लग रहा है वहां वहां पे इतना इतना पोर्शन डाल डाल के उसको अप करना है। आपको यहाँ पे अप करना है और पूरा अंदर डाल दोगे यहाँ तक, वो शेप चेंज हो गया, क्योंकि हमारे पफ में हर एक में एंगल चेंज हो रहा है, यहां से लेके डाउन से लेके अप, डाउन से लेके अप, तो आपके कोम में डायरेक्शन भी वैसे चेंज होगा। तो आपको हार्डली इतना पार्ट कोम का इनसाइड डालना है और उतना ही आपको अप लेना है। देखो जितना आपको अप लेना है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक में आपको अप लेना है, फिनिशिंग देते जाओ। ये हो गया हमारा ब्राइड का पफ, करेक्ट हाइट आ गया इतना, दुपट्टा यहां तक आ जाएगा आपका। फ्रंट में जो भी आपको वेरिएशन करने, आप वेरिएशन फ्रंट के लिए कर सकते हो। थर्ड पफ हमारा होगा लो पफ, जो हमें एडवांस के लिए ज्यादा करके हम वो पफ का यूज करते हैं, सो वो पफ हम स्टार्ट करेंगे। सेल्फ पफ, ब्राइडल पफ और लो पफ। लो पफ में भी हमने अलग अलग कैसे हम पिन कर सकते हैं उसका नॉलेज दिया आप लोग।